आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन एज अ लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में। और अगर हम बात करें स्प्लीन की कि स्प्लीन क्या है, तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है यहाँ पर, ये जो शो किया हुआ है, इसे स्प्लीन कहा जाता है। और स्प्लीन को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन होने के साथ साथ हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, ये उसका भी एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है। और अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो हम देखते हैं कि ये एक ड्रेनेज नेटवर्क है। मतलब ये कि हमारी बॉडी में जितना फ्लूइड हमारे वेस्कुलर सिस्टम से, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से सीप आउट करके, मतलब ये कि लीक होके कहाँ पर आता है, टिश्यूज में आता है। तो ये जो सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, ये उस फ्लूइड को दोबारा से कहाँ पर लेके आता है, पहले लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल से उसको कहाँ पर लाता है, वापस हमारे ब्लड में। तो उसमें हम देखते हैं कि ये क्या करता है, इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे ब्लड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, मतलब हमारी बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी को बचाता है बहुत सारे इन्फेक्शन से। उसमें देखते हैं कि जो स्प्लीन है वो आगे फर्दर किस तरह से, हम कह रहे हैं कि वो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्प्लीन की बात की जाए तो स्प्लीन जो है वो सॉफ्ट, इसी तरह से कहते हैं ब्लड रिच है। और इसके साइज़ की बात करें कि कितना होता है, तो जिस तरह से अगर हम एक मुट्ठी बंद करें तो उसे फिस्ट कहा जाएगा, तो एक फिस्ट के साइज़ का, मतलब ये कि मुट्ठी के साइज़ का होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल रीजन में भी हम देखें तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जस्ट बीनीथ द डायफ्राम, मतलब ये कि डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। स्प्लीन की बात करें तो जो स्प्लीन है वो क्या करता है, वो लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है, मतलब ये कि उसकी ये जगह मुहैया करता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस बैक्टीरिया हैं उनसे बचाते हैं। इम्यून सिस्टम जो हमारा है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है उसमें भी इसका रोल है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के लिम्फोसाइट जो क्या करते हैं, जो हमें बचाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से, और किस तरह से बचाते हैं कि जो मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज करने वाले जरासीम हैं जैसे कि वायरस बैक्टीरिया है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और साथ में हम देख रहे हैं इम्यून सर्वेलियंस एंड रिस्पॉन्स। सर्वेलियंस का मतलब होता है कि निगरानी करना। तो ये क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक हिस्सा है, किस तरह से, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं कि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शस जो ऑर्गन पार्ट्स हैं, सॉरी जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इतने छोटे, इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें देखने के लिए आम आँख से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्प्लीन के फंक्शंस की बात करें, तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि स्प्लीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारी लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारे लिम्फ वेसल्स हैं या लिम्फ है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन कहाँ पर होती है, स्प्लीन में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्प्लीन है उसमें लिम्फोसाइट के साथ साथ एक और तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें के मैक्रोफेजेस कहा जाता है। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो वायरस बैक्टीरिया हैं या फिर कोई बीमारी की वजह बनने वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये उनको इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब ये कि उनको निगल लेते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई और फॉरेन पार्टिकल आ जाए जो क्या कर सकता हो, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता हो, तो ये उसको भी हमारे ब्लड से रिमूव करते हैं। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इनके फंक्शन को देखें कि ये ब्लड क्लिनजिंग का काम करते हैं। ब्लड क्लिनजिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये जो डिफेक्टिव ब्लड सेल्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि उसके साथ साथ जो कि अब एजड ब्लड सेल्स हैं, जिनकी एज अब ज़्यादा हो गई है, जो अब नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ये उनको भी
हमारे ब्लड से रिमूव करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डिफेक्टिव प्लेटलेट्स हैं उनको भी हमारे ब्लड से रिमूव करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ब्लड क्लेंसिंग का काम करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्प्लीन है वो तीन और एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करता है, और अगर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करें कि वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये रेड ब्लड सेल्स का जो ब्रेकडाउन होता है तो उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है ताकि उन प्रोडक्ट्स को फर्दर यूज़ किया जा सके, मतलब ये कि बाद में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, तो ये उन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। इसके अलावा अगर हम इसके सेकेंड फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये ब्लड प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। प्लेटलेट्स जो क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, ज़ख्म हो जाता है, उसका खून बहना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन हो जाती है, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, वहाँ पे खून रुक जाता है। तो ये किसको स्टोर करता है, ये ब्लड प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके थर्ड फंक्शन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जब फीटस एक डिवेलप कर रहा होता है तो फीटस में एरिथ्रोसाइट जिन्हें कि रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, उसकी प्रोडक्शन भी स्प्लीन में होती है। लेकिन जैसे ही चाइल्ड की बर्थ होती है तो उसके बाद इसका ये फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब ये कि सीज हो जाता है। तो ये तो हमने देखे थे उसके एडिशनल थ्री फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया स्प्लीन एज अ लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में।